एवरी वन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको क्लास 11th रिकैप करवा देता हूँ। क्लास 11th में आपने तीन मेजर यूनिट्स पढ़ी होंगी, जिसमें से पहली यूनिट है मैकेनिक्स, दूसरी हीट और तीसरी वेव। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में। जो मेजर डिफरेंस है 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में वो है, 11th की फिजिक्स में आप मासेस के बारे में पढ़ते हैं और 12th की फिजिक्स में आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। 11th की फिजिक्स रिलेटिवली इजी लगती है बच्चों को इन कंपैरिजन टू क्लास 12th की फिजिक्स। उसका कारण यह है कि 11th की फिजिक्स में आप मासेस के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट लाइक पुली ब्लॉक सिस्टम, कार के बारे में पढ़ते हैं, कार मूविंग ऑन अ रोड विथ स्पीड इतना, तो आपने कार देखी हुई है, पुली ब्लॉक सिस्टम देखा हुआ है। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं क्लास 11th में वो सब आपने देखा हुआ है और यूज भी किया हुआ है। क्लास 12th में आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मूविंग है, चार्ज इन एक्सेलरेशन है, बट आपने चार्ज देखा ही नहीं है। उसका कारण ये कि चार्ज का जो मास होता है वो 9.31 × 10⁻³¹ kg होता है। अब आप देखिए 10⁻³¹ kg मतलब इतना छोटा मास है कि आप इसको नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, तो इसलिए बच्चों को रिलेट करने में थोड़ा कठिनाई आती है, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, मास उन्होंने देखा हुआ तो रिलेट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मेजर मेजर चीज़ें जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो इसका एप्लीकेशन मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं दो एग्जांपल दूंगा। पहला, आप सबने कॉम यूज किया होगा, कंघी। तो आप जब कंघी को कुछ टुकड़े काट लीजिए, कुछ कागज़ के टुकड़ों को छोटे छोटे कर लीजिए और उसको उस कंघी को जो टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है उस पेपर को, कागज़ को। बट आप उसी कंघी को एक बार रब कर लीजिए अपने सर पे, अब उसको कागज़ के टुकड़े के पास ले जाइए तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, क्योंकि जब आप रब करते हैं कॉम को अपने सर में तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है ड्यू टू चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, उसके कारण वो पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है क्योंकि उस कॉम पे चार्ज आ जाता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, आप लोग फोटोकॉपी करवाने जाते होंगे तो आपने मशीन देखी होगी फोटोकॉपी वाली, तो उसमें एक ड्रम होता है। जब आप पेपर उस फोटोकॉपी में फोटोकॉपी वाली मशीन में रखते हैं तो वो ड्रम में लाइट जलती है, वो लाइट उस ड्रम पे फोकस करती है और इंक होती है उस वाली मशीन में, इंक होती है। तो जो ड्रम होता है फोटोकॉपी मशीन का वो पॉजिटिवली चार्ज बनाया जाता है और जो इंक होता है उसमें ऐसा मटेरियल डाला जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के अट्रैक्शन के कारण वो जो इंक है वो आपके पेपर में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। और तीसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि आपके घर में, सबके घर में टीवी होगी तो आपने देखा होगा कि जो धूल, सॉयल के पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो अपने रूम में क्या है, रेंडमली मूव करते रहते हैं। जब आप टीवी ऑन करते हो तो उसमें रेज निकलती हैं, वो रेज क्या करती हैं, उन जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनको आयनाइज कर देती है। इससे क्या होता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है धूल के कण के बीच में, तो वो क्या करते हैं, टीवी पे जाके चिपक जाते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक